ठंडी ठंडी मीठी मलाईदार रबड़ी वाली खीर वाली खीर खाने किसको अच्छी नहीं लगती, सबको अच्छी लगती है ना। तो आज मैं आपसे रेसिपी शेयर करी, बहुत ही ईजी खीर की रेसिपी के। लोग खीर बनाते हैं चावल अलग दूध अलग होता है, और या चावल बहुत ज़्यादा होते हैं इससे गाढ़ी मलाईदार खीर नहीं बनती। तो रेशो क्या होनी चाहिए, कितना दूध कितनी हमने चावल ऐड करने हैं। तो चलिए देर नहीं करते बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए चावल ले रहे हैं, मैंने लिया आधा कप चावल। आप बारीक टुकड़ा चावल लेंगे खीर अच्छी बनेगी। तो देख सकते हैं मैंने थोड़े चावल ना ये बारीक वाले लिए हैं, जैसे बासमती टुकड़ा आता है वो लेंगे, उससे खीर अच्छी बनेगी, खुशबूदार भी बनेगी और बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो आधा कप चावल ले लेते हैं, इसे धो लेंगे। साथ ही मैं 1.5 लीटर दूध ले रही हूँ। आप फुल क्रीम ले सकते हैं, टोंड ले सकते हैं, या फैट फ्री दूध से भी बना सकते हैं अगर आपको कम कैलोरी वाली खानी है। तो ये मैंने टोंड मिल्क लिया है जो कि 1.5 लीटर है, और इसे पहले से उबाल कर रखा हुआ है। आप इसे पहले उबाल लीजिए, फिर दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके खीर बनाइए। आप कच्चे दूध से मत बनाइए नहीं तो जल जाती है। भारी तले का मैंने बर्तन लिया है और इसमें दूध को पोर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं गैस अभी मैंने नहीं जलाई है, क्योंकि गर्म बर्तन में दूध डालेंगे तो दूध तले से जल जाएगा। पहले बर्तन में दूध डालिए, फिर गैस जलाइए, और अब हम चावल और दूध को पकाने वाले हैं। लेकिन पहले दूध में बॉयल आ जाए, फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। देखिए तो दूध को थोड़ा चलाते रहिए, तले से जल ना जाए, और चावल को भी खूब अच्छे से धो लीजिए इस तरीके से। और जब अच्छे से दूध में बॉयल आ जाएगा तब हम ये चावल जो हमने धो कर रखे हुए हैं ये ऐड कर देंगे। तो देखिए दूध में आ गया है बॉयल, और अब ये जो चावल मैंने धो कर रखे ये मैं ऐड कर देती हूँ। और ये आधा कप चावल है और 1.5 लीटर दूध है। और देख सकते हैं, आपको लग रहा होगा कि चावल बहुत कम है दूध ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हमने खूब अच्छे से दूध को पकाना है। दूध पकेगा, गाढ़ा होगा, चावल वाली खीर जो बनेगी मेरी बहुत अच्छी बनेगी। अगर आप ज़्यादा चावल ऐड कर देते हैं तो वो बिल्कुल मीठी खिचड़ी जैसा बन जाता है, वो खीर वाला स्वाद नहीं आता। तो खूब अच्छे से अब हम इसे पकाएंगे। दूध हमारा पक रहा है, मीडियम आंच पर रख दीजिए। साथ ही ड्राई फ्रूट्स आप जो ऐड करना चाहें कर सकते हैं, बादाम, काजू, किशमिश और थोड़ी चिरौंजी ऐड कर रही हूँ। ये देख सकते हैं ये शुआरे हैं जो कि खीर का स्वाद बढ़ा देते हैं, ये भी मैं ऐड करूँगी, जिसे ड्राई डेट्स भी कहते हैं। शुआरे क्या करें, काट लें, इनमें से आप बीज अलग कर लें और इनके इस तरह से टुकड़े निकाल लें। ये देखिए मैंने इस तरह से काट के रखे। थोड़ी इलायची ले ली खुशबू के लिए, क्योंकि खीर या कोई भी मीठी चीज़ पकाएं तो इलायची से जो है स्वाद दुगना हो जाता है, कई गुना हो जाता है। दूध को हमने पकने के लिए रखा हुआ मीडियम आंच पर, थोड़ा थोड़ा बीच में चलाते रहिए, लेकिन भारी तले का बर्तन होना चाहिए। दूध पक रहा था, अब मैंने इसमें इलायचियाँ ऐड करती हैं और फिर से पकाएंगे। अगर आपको स्वाद खीर खानी है तो दोस्तों थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। दूध को पकाइए, बीच बीच में कड़छी चलाते रहिए और घर के काम निपटाते रहिए, यानी कि लगातार आप खड़े रहें और साथ साथ रसोई में और काम निपटा सकते हैं। ये देखिए दूध पक रहा है लगातार, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़े ड्राई फ्रूट्स। जब आप 10 से 15 मिनट तक दूध को पका लें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करें, और अपनी पसंद से डालिए जो आपको अच्छा लगता है ड्राई फ्रूट। आप कच्चा नारियल भी इसमें ऐड कर सकते हैं काट के। आपको किशमिश नहीं अच्छी लगती ना ऐड कीजिए, वो ड्राई फ्रूट जितना पसंद है उतना ऐड कीजिए। और फिर से पकाना देखिए शुरू कर देते हैं, इतनी देर में ड्राई फ्रूट भी अच्छे से पक जाएगा। 10 मिनट और पका रही हूँ मैं। ये देखिए कितने अच्छे से गाढ़ी हो रही है हमारी जो खीर है, चावल पक रहे हैं, और आप देख सकते हैं जैसे जैसे दूध गाढ़ा हो रहा है इसमें उफान आना भी कम हो गया है। अब मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ, मैं इसमें 1 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। आपको चीनी कम अच्छी लगती है कम ऐड कीजिए, मेरे घर पर सब तेज़ मीठा खाते हैं तो मैंने चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड की है। ये देखिए चीनी ऐड करेंगे तो फिर से दूध जो है पतला हो जाएगा, और फिर से इसे पकाएंगे, चीनी पानी बन जाएगी, फिर से हमें इसे पकाना पड़ेगा। तो फिर से 5 से 7 मिनट 10 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। आप इसे बीच बीच में चलाते रहें। ये देखिए कितने अच्छे से खीर जो है पक रही है, गाढ़ी हो गई है, और इसे मैंने कम आंच पर रखा हुआ है, मीडियम आंच पर रखा हुआ बल्कि, और देखिए बहुत अच्छे से पक रही है। खूब अच्छे से खीर को पकाइए, जब आपके मन मुताबिक गाढ़ी हो जाए तब तक पकाइए। देखिए मुझे इतनी गाढ़ी खीर पकानी थी और खूब अच्छे से चावल जो है खीर में रच बस गए हैं एकदम। ये नहीं कि दूध अलग चावल अलग है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, एकदम एक बिल्कुल एक सार हो गई है हमारी खीर, बहुत अच्छे से पक गई है। अभी ये गर्म है तो इतनी गाढ़ी है, और रखे रखे फ्रिज में जब इसे ठंडा करेंगे, ठंडा करके खाएंगे तो बहुत गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा गाढ़ा मत कीजिए। जब इस कंसिस्टेंसी का हो जाए गैस को बंद कर दीजिए और इसे रूम टेम्परेचर पर ले आइए, ठंडा कीजिए और फिर सर्व कीजिए। देखिए कितनी अच्छे से अभी कितनी गाढ़ी रबड़ी वाली मलाईदार हमारी खीर बन के रेडी है। इसे मैं इस बर्तन में निकाल रही हूँ, और जब ये ठंडी हो जाएगी तो और स्वाद हो जाएगी खाने में, और गाढ़ी और मज़ेदार मलाईदार हो जाएगी। इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए या ठंडा खाइए, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे खाइए। तो गर्मियाँ आती हैं तो ठंडी खीर खाने का अपना ही मज़ा होता है। देखिए कितनी बढ़िया कितनी बेहतरीन मलाईदार हमारी खीर बन के रेडी हो गई है। इसे थोड़े शुआरों से, जिसे मैंने भिगो कर रखा हुआ था इस तरह से काटा हुआ था, इससे सजा रही हूँ। थोड़े काजू से सजाएंगे, और थोड़ी बादाम की कतरन इस पर डालकर हम
इसे गार्निश करने वाले हैं। आप जैसे गार्निश करना चाहें कीजिए, लेकिन ठंडा करके खाएगा तो और मज़ा आएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको खीर की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।